कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री राहत कोष में सोमवार को जैन समाज द्वारा 2,63,900 रुपए का चेक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजेश कुमार सिंह को सौंपा गया। इसके संबंध में जैन समाज के अध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि 6 अप्रैल को महावीर जयंती मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सोमवार को महावीर जयंती नहीं मनाई गई। इसलिए महावीर जयंती में होने वाले खर्च को कोरोना वायरस के बचाव और पीड़ितों की लड़ाई में खर्च हेतु दान करने के लिए जैन समाज ने यह निर्णय लिया कि महावीर जयंती में आने वाले खर्च को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया जाए, जिसके तहत आज 2,63,900 रुपए का चेक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह को सौंपा गया। इसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि निश्चित ही जैन समाज द्वारा किया गया ये दान कोरोना पीड़ितों के स्वास्थ्य लाभ के लिए काम आएगा। कितने का चेक है आप बताइए? 2,63,900। किस लिए दे रहे हैं? ये जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना जो पैदा हुआ है उसके निवारण में जो भी सहायता है उसमें हम लोग जैन समाज की तरफ से इकट्ठा किए। महावीर जयंती का राज जो है कार्यक्रम नहीं हुआ तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया और मेरे मन में 2-3 दिन पहले ही भाव आया, उस निमित्त जो है एक हमने कहा कि सरकार कोष में मुख्यमंत्री कोष में कुछ रुपया चला जाए, आज का जो खर्च है हम लोग अच्छे काम में लगाएं, इसलिए मतलब इकट्ठा तक की हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना केयर फंड बनाया गया है, तो आदरणीय श्री पुष्पदंत जैन जी के नेतृत्व में आप लोगों ने ये किया है कि जो आज महावीर जयंती पर जो व्यय होता उस व्यय को रोक करके सारा पैसा कोरोना केयर फंड में दे रहे हैं, यह लगभग 3 लाख रुपए के आसपास।